स्नोरिंग यानी कि खर्राटे मारना कोई डिजीज़ नहीं है दोस्तों, ये एक कंडीशन है। तो ये जानने की कोशिश करते हैं ये खर्राटे किस तरह से प्रोड्यूस होता है। बेसिकली हम लोग का जो टंग रहता है, हम लोग का जो जीव, वो उसका जो नीचे वाला बेस पार्ट रहता है वहाँ पे विंड पाइप कनेक्ट हुआ रहता है। तो हम लोग जब भी सो जाते हैं, सोने के बाद हम लोग जो सांस लेते हैं, तो हम लोग का ये जो टंग का जो पिछला वाला बेस पार्ट होता है वो पूरा जो है सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट होने के बाद हमारा जो टिश्यू रहता है वहाँ पे, हम जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, वो टिश्यू में वाइब्रेशन क्रिएट होता है और वाइब्रेशन क्रिएट होने के कारण ही वो एक साउंड क्रिएट होता है जिसको हम लोग खर्राटे यानी कि स्नोरिंग भी कहते हैं। अगर आप इस तरह के कंडीशन से गुजर रहे हैं, अगर आप परेशान हैं, आप किसी रिश्तेदार के घर जा नहीं सकते हैं, अगर आप कोई रूम शेयर करते हो तो रूममेट्स को प्रॉब्लम होता है, अगर आपका कोई पार्टनर है बेडरूम में तो वहाँ पे प्रॉब्लम होता है, अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए तो ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। मैं आपको चार ऐसा पावरफुल एक्सरसाइजेस बताऊँगा जिसको आप अगर 2 महीना तक करोगे तो आपको स्नोरिंग जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ट्रस्ट मी गाइस, दिस वर्क्स। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहला एक्सरसाइज हम लोग का टंग, एक्सरसाइज नंबर 1, हम लोग का टंग का जो फर्स्ट वाला जो टिप रहता है उसको हमारे ये फिंगर के साथ ऑपोजिट ऐसा डायरेक्शन में रखने के बाद हमारे टंग को यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा ऐसा। इससे क्या होता है कि हमारा जो बेस रहता है टंग का, जीभ का बेस, वो स्ट्रॉन्ग होता है। और दूसरा एक्सरसाइज है हमारे ये गाल के ऊपर ये हाथ रख लीजिए और हमारा जो टंग रहता है वो राइट साइड की तरफ, अगर आपका हाथ है तो राइट साइड ऐसा पुश कीजिए, फ्लोर जो रहता है हमारे माउथ का फ्लोर उसको पुश करना पड़ेगा। इसको आप 10 से 15 सेकंड तक करने के बाद स्टॉप कर सकते हैं। उसी तरह से आप लेफ्ट यानी कि इस तरह से हाथ यहाँ पर रख लीजिए गाल पे और गाल का जो अंदर वाला मुंह का हिस्सा रहता है वहाँ पे अपने जीभ के साथ पुश कीजिए। इसको आप 15-20 सेकंड 1 मिनट तक करके छोड़ सकते हो। अभी जो लास्ट वाला जो एक्सरसाइज है वो है हमारा जो टंग का जो टीप रहता है ये, हमको उसको हमारे मुंह का जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है वहाँ पे प्रेस करना है। ये टंग है उसको ऊपर करना पड़ेगा और हम लोग का जो मुंह का फ्लोर है ऊपर वाला उसको पुश करना पड़ेगा। ट्रस्ट मी गाइस, ये चार एक्सरसाइजेस अगर आप डेली 10 मिनट तक अगर 2 महीना तक कर लोगे तो चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ आपका जितना भी स्नोरिंग का इश्यू है वो सब आपका ख़त्म हो जाएगा और ये रिड्यूस होता जाएगा। अगर आप इसको लाइफ टाइम अगर अपनाओगे तो स्नोरिंग क्या है आप भूल ही जाओगे और दूसरों को परेशान करना बंद कर दोगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब गाइस। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियोस। बाय।